कांग्रेस के नेता और वायनाड के से लोकसभा के पूर्व सांसद राहुल गांधी को की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पूरे देश में राहुल गांधी को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है और सड़कों पर कांग्रेस उतर आई है, वहीं पर दूसरी तरफ केंद्र सरकार और यूं कहा जाए लोकसभा की तरफ से आज एक नोटिस, जिसकी जानकारी अभी मिल रही है कि लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने एक नोटिस राहुल गांधी को दिया है और उन्हें कहा है कि जो सरकारी आवास उनको दिया गया है उस सरकारी आवास को 30 दिन के अंदर अंदर खाली करें। इसमें कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि यह संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है, सरकार जो कर रही है वो ज्यादती है, सरकार राहुल गांधी से डरती है, इसके चलते सरकार ये सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ जब आप राहुल गांधी ने जो कुछ अभी तक कहा है उसको लेकर उनके खिलाफ कितने मामले बने हैं उस पर नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 10 के करीब करीब क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले हैं, जबकि राहुल गांधी ने एक भी क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला किसी भी नेता के खिलाफ या किसी भी पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ या सदस्य के खिलाफ आज तक नहीं किया है। 10 मामले उनके खिलाफ पेंडिंग है। 2015 में राहुल गांधी ने क्रिमिनल डिफेमेशन का जो कानून है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चुप कराने के लिए, उनको खामोश कराने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनने चुनौती दी, चुनौती सफल नहीं हुई। इस समय, और आपको यह भी पता होगा कि सूरत की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को एक क्रिमिनल डिफेमेशन मामले में उनको सजा सुनाई और 2 साल की जेल की उनको सजा सुनाई इस बात पर कि उन्होंने एक भाषण देते हुए यह कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों है, यह बात उन्होंने कही थी। उसके बाद लोकसभा ने एक चिट्ठी निकाली और उस चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म की और कारण यह बताया कि चूंकि राहुल गांधी को एक क्रिमिनल डिफेमेशन मामले में सजा हुई है इसलिए अब वो लोकसभा के सदस्य बने नहीं रह सकते। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो 10 मामले हैं वो क्या मामले हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं। पहला मामला, राहुल गांधी थाने में मार्च 2014 में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और राहुल गांधी ने कहा आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की। उसके बाद जबरदस्त इस पर बवाल हुआ और राजेश कुंटे जो आरएसएस के भिवंडी यूनिट के मुखिया हैं उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आरएसएस को बदनाम करने को लेकर उनके ऊपर मामला दर्ज कराया। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए और राहुल गांधी ने कहा कि मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता और उस मामले को लेकर अभी ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने कोई भी गवाह अभी तक नहीं लाया है। अगस्त 2016 में राहुल गांधी ने हालांकि इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उन्होंने आरएसएस के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की है। उस राहुल गांधी ने वहां पर यह कहा कि उन्होंने यह कहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता और वो लोग जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है, आरएसएस ने नहीं की है। उसके बाद दिसंबर 2015 में एक और विवादित बयान दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोगों ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। दिसंबर 2015 राहुल गांधी उस समय आसाम में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। वो बारापीटा सात्रा की मॉन्स्ट्री में जाने वाले थे लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि आरएसएस के लोगों ने उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बारापीटा के मंदिर में मैं जाना चाहता था लेकिन आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया और इस तरीके से बीजेपी ऑपरेट करती है। उन्होंने महिलाएं मेरे सामने रखी और मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद आरएसएस के कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का एक मामला जो है वो दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो
महिलाएं वहां पर आई हुई थी उन महिलाओं का अनादर किया। उसके बाद अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री इस समय हैं, डिमोनेटाइजेशन को लेकर उन्होंने एक बयान दिया अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, दो एफआईआर इस मामले में भी दर्ज है। जून 2018 में उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दी जब उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि अमित शाह जो हैं वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, और यह भी कहा कि 750 करोड़ के करीब करीब डीमोनेटाइजेशन का पैसा जो है 5 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इस बैंक से एक्सचेंज किया गया। वो जो राहुल गांधी ने कहा था अपना आरोप लगाने के लिए, उसमें उन्होंने आरटीए के एक जवाब की तरफ इशारा किया था। उन्होंने कहा था कंग्रेचुलेशंस अमित शाह जी, डायरेक्टर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑन योर बैंक विनिंग फर्स्ट प्राइज इन द कन्वर्शन ऑफ ओल्ड नोट्स टू न्यू रेस 750 करोड़ इन 5 डेज। Millions of Indians whose lives were destroyed by demonetization salute your achievement। ये ट्वीट उन्होंने किया। उस ट्वीट में उन्होंने अमित शाह का एक फोटो लगाया था और उस फोटो में लिखा हुआ था द डायरेक्टर ऑफ द बैंक दैट कलेक्टेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिमोनेटाइज्ड वोट्स, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी दैट गॉट 80% रिचर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। उसके बाद अगस्त 2018 में बैंक और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने 2 अलग अलग क्रिमिनल डिफेमेशन की शिकायतें राहुल गांधी के खिलाफ की। उन्होंने ये कहा कि ये बेबुनियाद बयान राहुल गांधी ने दिया और उस बेबुनियाद बयान के कारण उनके बैंक की और उनकी अपनी छवि खराब हुई है। इस मामले में भी अहमदाबाद के एक लोकल कोर्ट ने राहुल गांधी को जुलाई 2019 में बेल दिया। उसके बाद गौरी लंकेश एक पत्रकार, जब उनकी हत्या हुई उसके बाद सितंबर 2019 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या होती है, बेंगलुरु में उनके घर के बाहर उनको गोली मार दी जाती है और आरोप यह लगता है कि राइट विंग एक्टिविस्ट थे जिन्होंने यह किया। उनकी मौत, उनके देहांत के घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी एक प्रेसवार्ता करते हैं और ये वो कहते हैं कोई भी वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे प्रेशराइज किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसके ऊपर हमला किया जाता है और उसे कत्ल भी कर दिया जाता है। यह राहुल गांधी ने कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जब ये आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता और वकील धृतमन जोशी और आदित्य मिश्रा, इन दोनों ने क्रिमिनल डिफेमेशन और एक सिविल सूट राहुल गांधी के खिलाफ फाइल किया। क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स में गांधी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता सीताराम येचुरी के समेत मुंबई में एक निचली अदालत में 2018 में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए और दोनों को बेल मिल गई। इस मामले में भी अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, उन्हें बेल दी गई है। और कांग्रेस एमपी Who stood surety for Gandhi, वो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जो गांधी की श्योरिटी के तौर पर वहां पर खड़े हुए थे, उनकी उनका देहांत हो चुका है। और आज के दिन बेल के लिए एक फ्रेश श्योरिटी जो है राहुल गांधी को फाइल करनी है। और ये भी अभी तक राहुल गांधी ने इस मामले में लिखित रूप में कोर्ट को कुछ भी नहीं दिया है। 15 अप्रैल को इस मामले की भी सुनवाई होनी है। यह सिविल सूट जो है, जो मिश्रा ने, आदित्य मिश्रा ने फाइल किया है, यह थाने में एक लोकल कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। इसमें आदित्य मिश्रा ने एक रुपया जो है कॉम्पेंसेशन गांधी से मांगा है अपने इन कॉन्ट्रोवर्शियल कॉमेंट्स के लिए। यह भी कहा गया है कि उन्होंने परमानेंट इंजंक्शन भी मांगा है गांधी के खिलाफ, ताकि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आने वाले कल में ना करें। लेकिन इस मामले में अभी तक लिखित रूप में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और इसलिए कोई इंटरिम इंजंक्शन भी उसके ऊपर नहीं है। इस मामले की सुनवाई भी 6 जून को होनी है, यानी एक मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, एक मामले की सुनवाई 6 जून को होगी। उसके बाद सितंबर 2018 राहुल गांधी ने कहा मोदी इज कमांडर इन थीफ, जिस समय रफाल मामले को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले कर रही थी, तो राहुल गांधी ने एक फ्रांस के अखबार की खबर की ओर इशारा करते हुए कहा
द सैड ट्रूथ अबाउट इंडियाज कमांडर इन चीफ, ये उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया। इससे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता महेश शिश्रमल, उन्होंने इस स्टेटमेंट का संज्ञान लिया और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला फाइल किया। यह मामला जो है गिरगांव कोर्ट में इस समय जो है पेंडिंग है और उन्होंने यह कहा कि कमांडर इन चीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जो कहा है, इसके चलते गांधी ने बीजेपी के तमाम लोगों को चोर कहा है और भारतीय नागरिकों को भी चोर कहा है। तो इस मामले ये मामला भी उनके खिलाफ पेंडिंग है। उसके बाद अप्रैल 2019 में एक चुनावी जनसभा को जबलपुर मध्य प्रदेश में संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के उस समय अध्यक्ष और इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने मर्डर एक्यूज कहा कि इनके ऊपर हत्या के आरोपी हैं ये। मर्डर एक्यूज बीजेपी चीफ अमित शाह, वाह क्या शान है। ये उन्होंने कहा कि कत्ल के आरोपी बीजेपी के मुखिया अमित शाह, वाह क्या शान है। ये उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया। इसके चलते बीजेपी के कॉरपोरेटर कृष्णवादन ब्रह्म भट्ट जो है, उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला इनके खिलाफ जो है दर्ज कराया और एक कोर्ट अहमदाबाद के कोर्ट में उन्होंने प्रोसीडिंग्स भी फाइल की। और उसके बाद यह भी उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर राहुल गांधी ने यह कुछ कहा है, उस मामले में ऑलरेडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरी हो चुके हैं। यह मामला भी अभी पेंडिंग है। उसके बाद उन्होंने एक और विवादास्पद बयान दिया, कांग्रेस बीजेपी की तरह हत्यारे को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। इसको लेकर भी दो FIR जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ लगे हुए हैं। ये दोनों डिफेमेशन के मामले हैं, एक चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा रांची में है। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदीप प्रताप कटियार और नवीन जहां, ये दोनों मामले उनके खिलाफ जो है दर्ज कराए हैं। और अभी तक झारखंड हाई कोर्ट ने नो कोर्स एक्शन का जो ऑर्डर पास किया है वो मामला भी ये पेंडिंग है। और जो समन भी इन दोनों मामलों में इशू किए गए थे उन्हें भी अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। उसके बाद 3 FIR लगी थी इस मामले में, जिस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वाई ऑल थीव्स है उस मोदी सरनेम, ये जो उन्होंने बयान दिया था, इस बयान को लेकर भी उनके खिलाफ 3 मामले बने हैं। इस ये उन्होंने कर्नाटका के कोलार में 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था। एक मामला इसमें बीजेपी MLA पुर्णेश मोदी ने सूरत में क्या कहते हैं फाइल किया, जिसमें आप जानते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑलरेडी राहुल गांधी को कॉन्विक्ट भी किया, उनको सजा भी सुनाई है, 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। दूसरा डिफेमेशन का केस एडवोकेट प्रदीप मोदी ने फाइल किया रांची के एक लोकल कोर्ट में। इस मामले में ट्रायल शुरू हुआ है और अभी एविडेंस की स्टेज पर यह सारा मामला है। तीसरा मामला जो है इसी स्टेटमेंट के ऊपर सुशील कुमार मोदी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो बिहार के थे और इस समय राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी यह कहा था कि ये कहकर सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं किया है बल्कि हर वो व्यक्ति जिसका नाम मोदी है या मोदी इसके सरनेम में आता है उनको बदनाम करने का काम किया है। इस मामले में भी राहुल गांधी बेल पर इस मामले में बाहर है। उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया, विनायक दामोदर सावरकर को लेकर उन्होंने बयान दिया, कहा सावरकर ने देशभक्तों को बिट्रे किया, धोखा दिया और अंग्रेजों से माफी मांगी। इस मामले में भी नवंबर 2022 में जो उनके खिलाफ उन्होंने ये जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जो बयानबाजी की उसको लेकर भी नवंबर 2022 में इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे फैक्शन के लीडर वंदना डोंगरे ने एक क्रिमिनल डिफेमेशन कंप्लेंट थाने पुलिस स्टेशन में फाइल की है और इसी तरह की एक शिकायत जो है सावरकर के पोते विनायक सावरकर ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में मुंबई में फाइल की हुई है। तो ये वो 10 के करीब करीब मामले हैं जो मामले राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग कोर्टों में पेंडिंग है। यानी कांग्रेस के नेता, पूर्व वायनाड से लोकसभा के सांसद और एक समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री के पद के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी की
मुसीबतें कम नहीं, आने वाले दिनों में बढ़ने ही जा रही हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक नहीं बल्कि 10 मामले हैं, जिन 10 मामलों में कहीं पर सुनवाई होनी है, कहीं पर सुनवाई हो रही है, कहीं पर एविडेंस की स्टेज पर मामला है, कहीं पर किसी और स्टेज पर मामला है। यानी जितने भी बयान राहुल गांधी ने आज तक दिए हैं, उन तमाम विवादास्पद बयानों के ऊपर, उनके ऊपर अलग अलग जगहों पर FIR भी दर्ज हुए हैं और मामले भी उनके खिलाफ कलमबंद किए गए हैं। एक मामले में तो उनको कॉन्विक्ट किया गया है, जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है और अब उन्हें नोटिस भी दे दिया गया है कि जो उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है, उस सरकारी आवास को भी वो खाली करें।